अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ नताशा वकास। तो भाई मेरा डिश वॉशर आ गया है फाइनली, गीज़र भी आ गया है। एक्चुअली वो मैंने लेके ना शॉप पर ही छोड़ा हुआ था ना, मैंने कहा यार जब काम स्टार्ट होगा तब मंगवाऊंगी, ऐसे घर में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, कोई चीज़ गिर जाए कुछ भी, डर लगता है ना। तो अब गीज़र इंस्टॉल होना था क्योंकि सर्दी बहुत हो गई, बर्तन नहीं धुलते, डिश वॉशर का भी साइज़ वगैरह लेना था किचन वालों ने। तो फिर अब मैंने मंगवा लिया है। मैंने कौन सा लिया था, मैंने वो भी ले लिया था बेकिंग ओवन, वो भी दिखाती हूँ आपको कौन सा लिया था। किचन के रेक्स वगैरह जो लिए थे, काफ़ी लोग प्राइस पूछ रहे थे उसके, वो भी बताती हूँ मैं आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लॉग में, चलो टाइम वेस्ट किए बगैर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी आपकी आटा, हाँ आज ना मैंने मशीन नहीं निकाली आटा गूंदने वाली, उसका रीज़न ये था कि सर्दी बड़ी होगी बर्तन नहीं धुलते। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हम लोगों ने डिश वॉशर वगैरह हर चीज़ ली हुई है, काफ़ी लड़कियाँ कमेंट कर रही होती हैं। मुझे ना स्पेशली ईमेल किया था एक लड़की ने यूके से, काफ़ी पाकिस्तान में लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप डिश वॉशर लाजमी लेना, बहुत जिंदगी आसान रहेगी। पाकिस्तान में उनका हाथ नहीं पड़ता। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हाथ पड़ता है क्यों नहीं पड़ता, लोगों को ना समझ नहीं है, लोग समझते हैं यूके के हिसाब से बस ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं यूज़ होती है वो तो, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। मुझे तो काफ़ी यूके की मेरी ऑडियंस है, उन्होंने मुझे ईमेल करके कहा है आपने लेना है। तो मैंने आज आटा हाथ से गूंदा है, कल किचन वाला आएगा उससे मैं सोच रही हूँ कि आटे वाली मशीन की ना स्पेशल जगह बनवाऊंगी, बार बार नीचे उठाने रखने ना पड़े, वहीं पड़ी रहे बस ऐसे। ये देखो जी मेरी मेहनत। आप क्या मेहनत है? मैंने ये उठाया, अच्छा। ये वापस रखा। अरे उठा के दिखाओ ना, यही तो दिखा रहा हूँ मेरी मेहनत, देखे नहीं मैंने कितनी मेहनत करके ये उठा के आपको दिखा। अच्छा भाई, तो मिक्स सब्जी जो है ना वो हम सबका फेवरेट सालन है, हमें बहुत पसंद है बहुत, क्योंकि मेरे मियाँ को इसके अलावा और कोई सब्जी ही नहीं पसंद, बस ना आलू गोभी ना कुछ, तो मिक्स सब्जी वाइट सब्जी वो खाते हैं ना। मुझे इसके अंदर जो मेथी का टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके पराठे मेथी वाले आहा मज़ा आ जाता है। जो मिक्स सब्जी बचती है ना उसके मैं राइस बना लेती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। तो अभी अम्मी से पूछ रही हूँ कैसा बना हुआ है, तो अम्मी कहनी अच्छा बना। ये देखेंगे पात की भी ब्रिक्स भी लग गई, और ये चढ़ाई चढ़ने वाला वो रैंप सब भी बन गया फुटपाथ का, और ये भी ये वाली टफ टाइल भी लग गई हैं, कंप्लीट हो गई। और अंदर की टाइल पता नहीं आपने देखी है या नहीं, अंदर की भी टाइल लग गई। मैं ना अभी छत पे नहीं भेज रही मजदूरों को, नीचे आके फिर कोई काम करना होता है फिर सब सीमेंट सीमेंट जाता है, मैंने कहा नीचे का मुका के ऊपर जाओ। ओके भाई, तो ये है जी मेरा डिश वॉशर। पहले मैं सोचा था डॉलेंस का लूंगी, फिर मैंने सोचा वकास कौन सी कंपनी थी, बोश, यस। फिर हमने सोचा बोश का लेते हैं, और फिर हमने फाइनली रिसर्च करके काफ़ी ज़्यादा, तो हमने मिडास का लिया था। मिडास इटली का ब्रांड है और इसका डिश वॉशर बहुत ही आला है, बहुत ही आला। और जब ये खुलेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी पैक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको दिखाऊंगी, इसका रिव्यू भी दूंगी, काम कैसे करता है सारा कुछ बताऊंगी। और साथ में है जी हमारा ये नेस्गेस का बिल्ट इन ओवन, और ये नेस्गेस में दो आती हैं क्वालिटी, एक होती है जो लोकली बन रही होती है, एक होती है मेड इन चाइना, तो ये मेड इन चाइना वाली है, ठीक है। और नेस्गेस में मैंने ये इसलिए लिया है कि हमारी रेंज भी यही पड़ रही थी, और इसकी भी काफ़ी अच्छी वो थी, मतलब इसके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे थे, जिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछा था मैंने, तो सब ने इसकी बहुत तारीफें की थी, तो वो वाला लिया मैंने, ठीक है। और अरमेश क्या कर रही हो? अच्छा देख रही हो। फिर उसके बाद ये जो तीन है ना ये लगेंगे, नहीं एक दो ये चूल्हे के नीचे लगने, और जो तीसरा है ना वो मैंने छत पर रखवा दिया क्योंकि वो बहुत नाजुक सी ट्रे है बड़ी सारी, 4000 की है वो, और ये आई थिंक 8000 के हैं, और ये ना अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी आपको नजर में लगा, इतना भारी है कि ये देखें ये एक बंदा अकेला उठा नहीं सकता। ये अलासिफ पे भी थे, कयानी पे भी थे, और आपको सिटी सदर पे भी मिल जाएंगे, लेकिन तीनों की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था, तो मैंने कयानी से लिए हैं। और ये वाले जो है ना इसमें जंग नहीं लगता, इस मटेरियल को कुछ बोलते हैं अब वो वकास बताएंगे। और ये जो स्पाइस रेक होता है ना वैसे खींचते हैं, तीन उसमें रेक्स होते हैं स्पाइस वाला, ये वो है। और बाकी इसकी एक ट्रे छत पर रखी हुई है, वो जब इंस्टॉल हो जाएगी ना फिर दिखाऊंगी, फिर आपको सही अच्छे समझ आएगी। वकास जिस मटेरियल में हमने लिया है किचन के, वो क्या चीज है वो? वकास वो किसी से बात कर रहे हैं, वैसे बीवी की बात छोरों को सुनाई नहीं देती। अच्छा एक और चीज़ है, हमारे चूल्हे भी आ गए, तो वो मैं अभी आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ चूल्हे की, क्योंकि वो छत पर रखे हुए हैं चूल्हे जो है ना, ये जापानी जो स्क्रू है ना, ये एक मैंने गिफ्ट कर दिया था, और एक जो है वो पड़े पड़े मेरा दो तीन एक डेढ़ साल पहले मैंने ले लिया था कि यार ले लेती हूँ, पर वो मेरा टूट गया उसके ऊपर से,
वो काला भी कर रहा है, मज़े का भी नहीं लग रहा मुझे, तो मैंने वो स्किप कर दिया। वो तरनोल में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो रेडी करवाना है ना रेंट में देने के लिए हम लोगों ने, तो वहाँ पे लगवा देंगे। घर के लिए मैंने दूसरे ले लिए हैं चूल्हे, एक ना गैस प्लस इलेक्ट्रिक है और एक सिर्फ इलेक्ट्रिक है, वो मैं यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ आपको आइडिया जाएगा। तो ये वाले दो चूल्हे मैंने लिए हैं, एक ऊपर वाले फ्लोर के लिए लिया और एक ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर के लिए जो है वो गैस में विद वो है। और वो दुकानदार कह रहा था कि सिलेंडर जो है ना वो काला करेगा ही करेगा, आप जो मर्जी कर लें, सिलेंडर जो है वो काला करता है बर्तन। तो और इस्लामाबाद में भी गैस पे पाबंदी लगी हुई है, तो साल डेढ़ साल गैस का आप सोचना हिम्मत क्या आएगा। तो इसलिए दरमियान में इसके बिजली वाला भी है, नहीं समझ में आया तो ऊपर वाला किचन यूज़ कर लेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। क्योंकि आई विश के बर्तन काले ना करें, नए चूल्हे पर अगर उसने बर्तन काले किए तो फिर मैं इलेक्ट्रिक पर चली जाऊँ, क्योंकि हमने वैसे भी सोलर लगवाना है ना तर्मिश। बाकी इसके वॉलपेपर के लिए एक बंदा से रब्ता किया है मैंने, दो तीन से रेट लेंगे देखेंगे। मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर करवा लेती हूँ, छोड़े पैंट शर्ट को दफा करो, वॉलपेपर लगेगा जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा, है ना अर्मेश? इतना आ जा के पैसे खत्म हो जाए, पैसे नहीं खत्म होते इंशाल्लाह, आप हो ना गुड लक। ओके बाय बच्चो, बाय बच्चो। ओके तो ये मैं बना रही हूँ आलू वाला पराठा वकास के लिए, क्योंकि मिक्स सब्जी बनाई थी ना रात को, तो फिर सुबह वकास कहते हैं मुझे आलू वाला पराठा बना दो साथ। मैंने एक पराठा हाथ से बेला, ये वाला मतलब हाथों से उल्टा पुल्टा करके बेला है, अब बस मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी और बाकी जब बेलूंगी ना तो बाकी आलू वगैरह बना वकास से मतलब पहाड़ी पराठा। जब इसको तवे पर डालते हैं ना, फिर मैं तवे पे इसको ना प्रेस कर लेती हूँ, तो सारे आलू जो है उसी टाइम ब्लेंड हो जाते हैं। इजी मेथड है आलू वाला पराठा बनाने का, बड़े मज़ेदार पराठा बनता है इसका। अम्मी का पराठा मैंने बना दिया, अपना भी बना दिया, तस्वीर का भी बना दिया, तीन पराठे और मिक्स सब्जी गर्म करके बाहर भेजी अम्मी के लिए कि आप नाश्ता करें, जल्दी आलू वाला पराठा बना के लाती हूँ। तो चलिए तवे पर डालते हैं इसको। लो जी ये भी बन गया, रैंप भी और इसके अलावा फुटपाथ भी कम्प्लीट हो गया है और टफ टाइल भी कम्प्लीट हो गई है। अभी इस साइड पे क्यारी बन जाएगी और इसके अलावा अंदर वाली टाइल आपने शायद देख ली हुई है ऑलरेडी। यूँ आज का वो टैंकी का ढक्कन लग रहा है और ये टाइल्स भी लग गई हैं आज, इस साइड की रहती हैं ये भी आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और ये जो है हमारा गीजर आ गया है जी, इलेक्ट्रिक प्लस गैस वाला, तो ये भी इंस्टॉल करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ये देखिए मेरी उंगली जल गई दो जगह से ना, वो चूल्हे पर लग गया मेरा हाथ। ये सजा है, सजा। इनको मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि इनको दिखाने का फायदा नहीं, बोलेंगे सजा है, सजा है। किस चीज की सजा है? अल्लाह की तरफ से सजा। हाँ, किस चीज की सजा है ये अल्लाह जानता है। अल्लाह की देन है। मेरे बाल लग गए अम्मी, मेरे तो बाल नहीं अड़के इनका, मेरे अड़के। मौसम कैसा हुआ है? मौसम जैसा हुआ तबाही। वो सामने वाले फिर आए, देख सामने वाले आते रहते। ओए होए होए होए, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, क्या व्यू है। ये देखा होगा लोगों ने एरिया सेक्टर पे, ये देखो ये कौन, दो गाड़ियां आई हैं, एक दो, इतने भी ज़ूम इन नहीं होना चाहिए मोबाइल के। हाँ पता चले कौन आया कौन नहीं। हाँ ये गलत है, गलत ज्यादती है, ये बहुत बुरी, यानी कि यहाँ से अगर ज़ूम भी आ रहे होंगे मुझे पता चल जाएगा। तुम्हें पता चलेगा, मुझे नहीं पता चलेगा। ये बड़े चलाक हैं जो ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, जगह खरीद खरीद के लेवल कर करके रोड बना देते हैं। चलो जी आ जाओ, लाखों रुपए में बेचते हैं, करोड़ों रुपए में, नहीं करोड़ों। ये मुझे लगा आपके पनौती बन की वजह से ये जगह नहीं बिक्री सामने, वजह से क्यों मैंने क्या बन। चलो चलो स्कूल जाना है, तो मैं जल्दी से नाश्ता करके देती हूँ, करके नहीं देती हूँ, बना के देती हूँ, फिर हमने स्कूल जाना है। नाश्ता बन गया है, चलो मैं आओ। ये टेढ़ा पानी था यार, वकास साहब मेरी चीजों का मजाक बनाते रहते हो। क्या टेढ़ा पराठा, कितना प्यारा है। नहीं टेढ़ा पहाड़ी पराठा, पहाड़ी कुछ देर आदिल कर रहा है। अम्मी रोटी खाओ, बहुत खाएगा। बस मैं आ गई। जो किचन के आगे की रहते थे ना, किचन के आगे की बैठक के आगे की रहती थी वाले टाइल्स, ये लग गई है बाहर, रैंप और ब्रिक सब लग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और अभी जो साइड का थोड़ा सा रह गया था मार्बल वो लग रहा है। किचन की जाली लग गई है, इसके ऊपर वाली चीज़ फिक्स होनी, पर अभी ये ड्राई हो जाएगी तो फिर लगेगी। शुक्र है किचन की जाली लगी है, बहुत मसला बन रहा था मेरे लिए, बच्चे कुछ ना कुछ फेंक देते थे। अभी बस आज किचन, हालांकि मैंने रात को साफ़ किया था, अभी फिर क्योंकि सीमेंट का काम हुआ है तो फिर वही हाल हो गया है। अभी किचन सारा वॉश करना है, क्योंकि वो बोल रहे थे आप किचन साफ़ कर दे ताकि हमारे कैबिनेट्स वगैरह लगाएं। इसलिए मैं रात को सारे बर्तन धो कर सही सुगढ़ आती आपकी। और ये भी सुबह चावल खाए बच्चों ने, तो उसकी प्लेट रखी हुई है। और ये वाले लगवाया था हम लोगों ने ना, ये प्रेस वाले, ऐसे प्रेस करो पानी निकल जाएगा, कचरा उठा लो आप लोग, उस तरह का ये। अब इसकी ये चीज़ रहेगा, ये लगेगी। अभी हम लोग खाने लगे हैं शकरकंदी। क्या खाने लगे हो बनाज? इसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। गंदी आप मेरे गलत गलत नाम जो सिखाते हो ना,
क्या है चलिए बताओ। शकरकंदी, शकरकंदी कहते हैं। आपने मुझे गंदी सिखाया हुआ था। शकरकंदी भी कह सकते हैं। नहीं वाला कंदी। ये जी ये देखे जी मेरी शकरकंदी गंदी निकलने लगा। और ये वकास ये मेरी गंदी दिखा चखा दोनों में क्या डिफरेंस है। आपकी मजे की लग रही है। यह मैंने छोटा पीस लिया था। मम्मा के वाले में मसाला ही नहीं है ना भाई। चटनी डाल दे मजे की है। एक्चुअली ना चटनी अच्छी नहीं होती सबकी तो मैं इसलिए नहीं डलवा दी पर मैंने भी टेस्ट की अच्छी डाल दें। मैंने ना सिर्फ चार मसाला डलवाया था मुझे चटनी अच्छी नहीं लगती पर इन्होंने जो बनाई है ना वो अच्छी है खट्टी है। लोग ना मीठी चटनी डाल देते हैं। एक और ले लो मिठा लिया। एक और बना दें कम ना हो सीधा बकर डाल। ये एक और बना दें भाई थोड़ी सी ज्यादा डाल मैं खिलाती हूँ ना। मुझे फ्राइज चाहिए। तो चम्मच क्यों मार रही है फ्राइज चाहिए तो। हाँ अमिश खानी है आपका वो अच्छे फ्राइज नहीं है बेटा। खाना मजे की है ना करो। देखा माँ होती है जो मुँह का निवारा निकाल के बच्चों को खिलाती है। बाप खाई जा रहा है खा जाता है। पहले पापा मुकर गए पहले बोले थे अभी लेके लेता हूं। देखो तुमने जो मैसेज चेक की थी वो तो खिलाओ। वो आपने ले ली थी एक्सक्यूज मी अपने पास से उसे टाइम ले ली थी। अपने पास टेस्ट भी नहीं करवाओगी कैसी होती है तुम्हारी एक पाद को। हां मजा आ गया खा के। गरीब लोग कभी शक्करकंदी नहीं खाई है। बदतमीज लोग हमें कहते हैं चखाओ चखाओ हमने मिनट नहीं लगाया आगे खा रही है। मेरे पास प्रूफ है कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बड़ा सारा पीस खाया है मेरी इसमें से लेके। तो क्या हो गया एक और खिला देती तो। चलो जी मैं स्लो खाती हूँ। ये खा रही पहली दफा मिली और आखिरी दफा। हाँ मेरा बिल नहीं फेंको मैंने हिसाब करना है घर जाकर। बच्चों तो मैंने क्या किया जो वो मिक्स सब्जी बच गई थी ना थोड़ी सी तो आलू तो बचे नहीं थे एक भी। क्या पता है बच्चे बड़े आलू ही खाते हैं सारे सब्जियों का बादशाह आलू। तो मैंने आलू और काट के पहले वो भून लिए उसके बाद जो बाकी सब्जी बची थी वो भून ली है। और कलर देखो कितने मजे का आया। बस मैं चावल डाल के मिक्स सब्जी वाले चावल बना रही हूँ। जब बनते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें हरी मिर्ची अदरक लहसुन हरा धनिया सूखा धनिया और नमक मिर्च जो भी डलती है जीरा शीरा सब डाल के थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है और भून लिया है। प्याज काटी है मैंने टमाटर काटे हैं इसमें तीन चार और आलू डाला है एक पूरा और अभी मज़ेदार से तैयार हो जाएगा खाना। देखिए देखा जी हमारे मिक्स सब्जी वाले चावल ये देखें जी हमारे चावल बन गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थोड़े से स्पाइसी हो गए हैं। और बच्चों ने जैसे चूल्हा तेज़ कर दिया था पर शुक्र है बचत हो गई है। लेकिन ना मैंने दही में मिर्चा नहीं डाली क्योंकि चावल बड़े स्पाइसी हैं। तो ये देखें दही जो है ना वो मैंने प्लेन रखी है। बस मैं अम्मी को बुलाती हूँ कि जी आए खाना खाएं। अम्मी वकास आ जाओ। ओके भाई बहुत ठंड लग रही है मुझको मैं इसको लपेट लूँ जरा। तो भाई हम लोग कल गए हुए थे ग्रॉसरी करने कमर्शियल। जो लोग इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते हैं उनको बता करो जाना कि देखते क्यों नहीं देखते हो भाई स्टोरीज देखा करो मेरी। अच्छा मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पेज का लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे फॉलो भी कर लेना और मेरी स्टोरीज देखा करो। मैं आपको स्टोरीज में मिनट मिनट की अपडेट देती हूँ अपनी। हम बहुत शुगर लगाते हैं स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा। तो हम लोग कल ग्रॉसरी करने गए थे पंजाब किचन के वहाँ मेरी तीन सब्सक्राइबर्स भी मिली मुझे। वो बोलती आप इतनी दूर से यहाँ ग्रॉसरी करने आती। मैंने बोला वहाँ पे भाई एक वहाँ यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो चीज़ यहाँ पे हमें 1500 की मिलती है ना वहाँ पे वो चीज़ हमें 500 की मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं दो तीन महीने बाद जाके ना पंजाब किचन कड़ी से ले आते हैं सामान में छालियाँ खा रही हूँ। अभी मैंने एक कमरा और वॉशरूम धो लिया और मैंने पूरा घर धोना है। धूप ही नहीं निकल रही और इतनी सर्दी है इतनी सर्दी आपको नज़र भी आ रहा होगा अभी। हालांकि पता नहीं 2 बज रहे हैं लेकिन बहुत ठंड है। और दूसरी चीज़ है मैं ब्लॉग का टाइम चेंज करने का सोच रही हूँ क्योंकि ना स्कूल से आते हैं बच्चे तो उसके बाद बच्चे इतना घनचक्कर बन मचा देते हैं घर में ये बना के दो वो बना के दो ये खाना है वो खाना है। तो फिर ब्लॉग का टाइम ही नहीं मिलता फिर मुझे 4-5 बज जाते हैं ब्लॉग लगाते लगाते। तो मैं सोच रही हूँ कि सुबह 12 बजे ब्लॉग लगा दिया करूँ। आप लोग बताओ 12 बजे का टाइम सही है। आप सब लोग जो है वो 12 बजे फ्री होते हो ना तो पूरे फिक्स 12 बजे ब्लॉग्स अपलोड कर दिया करूँगी ठीक है। और बस बाकी ना मैंने मिस्त्री को बोला है
विकास को बोला बेसिकली, मैंने कहा आप ना मिनट में ना, वो कह रहा था ऊपर भेज रहा हूँ ऊपर भेज रहा हूँ, मैंने कहा अभी आप ऊपर नहीं भेजो, बहुत मेहरबानी करो नीचे की जो स्कॉटिंग रहती है, नीचे की जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ रहती है वो करवा के मेरी जान छुड़वाओ, मैं सफाई करती हूँ आप फिर गन डाल जाते हो, मैं फिर सफाई करती हूँ आप फिर गन डाल जाते हो, पहले नीचे जो गन डालना ना एक दफा डाल लो ताकि मैं सुकून से सफाई करूँ, किचन की स्कॉटिंग लगाओ क्योंकि किचन की कैबिनेट्स बननी है, फिर कैबिनेट्स बनने के बाद फिर स्कॉटिंग लगाने आ जाओगे आप, सारी कैबिनेट्स में सीमेंट लग जाएगा फिर कौन उसको साफ करेगा। तो इसलिए मैंने आज इनको दिया हुआ टारगेट के जो मार्बल रह गया ना पीछे जो 5 फीट गली छोड़ते हैं ना, वो जो बेसमेंट नजर आ रहा होगा जहाँ से आपको वाली जगह पूरी लेवल करनी है, उसके ऊपर एक बेसमेंट के ऊपर जंगला लग जाएगा और वहाँ पर लग जाएगा मार्बल, ठीक है। सीढ़ियों का मार्बल रह गया है, वो जो गैराज के स्टेप्स होते हैं अंदर आने के लिए वो लगाना है। आज डोर वाला आया था, देख के चला गया डोर का क्या मसला है, तो कह रहा है मैं सही कर दूंगा, डोर भारी है तो इसके दरमियान से टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। एक नर्स स्लाइड वाला दरवाज़ा एक स्लाइड वाला दरवाज़ा जो है वो टेढ़ा हो रहा है, और छत का मार्बल लगवाना है, पर बहुत सारे काम है। मुझे नहीं लगता 6 महीने से पहले काम ख़त्म होंगे यार, क्या करूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कि मैं कहती मेरी जान छुट्टे, मेरा घर सीधा हो, मेरी ज़िंदगी आसान हो, मैं कोई काम वाली लगाऊँ, मैं अभी काम वाली भी लगा नहीं सकती, कोई फ़ायदा नहीं लगाने का, इतने मेस में कि सीमेंट फैला हुआ और रेक्स बने ना हो कौन करता है, बीवियाँ होती हैं कर देती हैं काम, काम वालियाँ नहीं करती, उनके भी नखरे होते हैं। तो मैं कहती हूँ घर पूरा सेट हो जाए, क्योंकि मैंने सोचा था अब अपने घर में शिफ्ट होकर मैं प्रॉपर काम वाली लगाऊंगी, एक लड़की होगी जो पूरा दिन घर रहेगी, मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, पता नहीं अब वो वाला ख्वाब भी मेरा कब पूरा होगा, आई डोंट नो। बाकी ख़त्म करवाना है हम लोगों ने, हमने सदका दे दिया था जब हम घर शिफ्ट हुए थे, पर मैंने सोचा था कि मैं इसे पूरा घर लाइटिंग करूंगी, मेरी अम्मी आएंगी, मेरी अम्मी से मैं इतने टाइम से नहीं मिली, सोच रही हूँ जैसे मैंने वॉलपेपर का बोला है कि मैं वॉलपेपर लगवा लेती हूँ, आजकल ना एक्रेलिक वॉलपेपर आए हैं जो वॉशेबल भी हैं, अगर बच्चे लाइन वाइन मार देते हैं कपड़ा मारो वो साफ हो जाता है, तो मेरा दिल में वो करवा लूँ, और मेरा जो जो दिल है पता नहीं वो मैं कैसे करवाऊंगी, मुझे बंदे नहीं मिलते। सारे मसाइल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है बस। और बाकी ये है कि विंडो का व्यू बहुत प्यारा, मैं यहाँ बैठ के एडिट करती हूँ, बड़ा मजा आता है, आंटियाँ वॉक कर रही हैं फुटपाथ पे हमारे घर की बैक साइड पे, काफ़ी सारी मेरा दिल कर रहा है मैं भी उनके साथ वॉक करना शुरू कर दूँ, बट ये है कि मैं अभी व्लॉग एंड करने लगी हूँ अपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना, मेरी वीडियोस को ऐसे लाइक शेयर करते रहो, कमेंट्स करना यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की रीच काफ़ी डाउन हुई है, मेरा ढेर सारा प्यार देते रहो, कमेंट्स लाइक शेयर करते रहो, मेरा मेन चैनल की रीच काफ़ी डाउन हुई है उसको भी शेयर किया करो यार, पता नहीं क्यों मर गया है वो चैनल मेरा, हालांकि मैं उस पर बहुत मेहनत करती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है, मेरी स्टोरीज भी देखनी है आप लोगों ने, अच्छा, ताकि मेरी स्टोरीज के व्यूज़ जो हैं, पहले मेरी स्टोरीज के 65,000 व्यूज़ आते थे, और अभी क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ ना तो मेरी स्टोरीज के व्यूज़ डाउन हो गए, यार मैं ना पीछे ना चिड़िया के लिए खाना डाल देती हूँ, रोटी डाल देती हूँ, चावल डाल देती हूँ, ढेर सारी चिड़िया आती हैं वो खाती हैं, इतना अच्छा लगता है, ची 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 करती रहती हैं, बड़ा मजा आता है मुझे। तो बस मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अपने ढेर सारा अच्छा प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ढेर सारे कमेंट्स, काफ़ी कोई बात नहीं हमने भी ऐसे किया था वैसे, क्योंकि ना ऐसे कमेंट्स ना मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, और कोई बात नहीं नताशा मुश्किल वक्त टल जाएगा, ताकि मुझे हिम्मत आए, वरना मैं तंग आ रही हूँ बहुत सख्त, बहुत ज़्यादा तंग आई हुई हूँ मैं दिल करा मैं कहीं भाग जाऊँ। बाकी मुझे ख्वाब आता है यार, बार बार मुझे ख्वाब आता है, मैं उम्रे पर गई हुई हूँ, मैं मस्जिद नबवी जा रही हूँ, मैं खाने का तवाफ़ कर रही हूँ, कल मैंने कहा था मैं अब हाज को उठा कर ना तवाफ़ कर रही हूँ, तो मुझे था ना कि घर के बाद हम बच्चों समेत जाएंगे उम्रे पर, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मेरे जहन में फिक्स हुई हुई है या क्या चक्कर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैं फर्स्ट टाइम उम्रे पर गई थी ना तो मैंने ख्वाब देखा था कि विकास की ताई अम्मा है, और उन्होंने मुझे कहती है वो देखो चांद नजर आ गया रमजान का, मतलब उन्होंने रमजान नहीं बोला था, उन्होंने मुझे बोला वो देखो चांद नजर आ गया, और बहुत बड़ा सारा चांद था खाना काबा के एन ऊपर, और फुल पूरा चांद था वो, हालांकि चांद नजर आता है छोटा सा होता है पर वो गोल चांद था बड़ा, और फिर उसके बाद मैंने अजल को गोद में उठाया होता है, और मैं और विकास और अजल जिस टाइम फोर्थ हुई थी ना उस टाइम की अजल 2.5 साल की अजल होती है वो, और मैं उसको लेकर खाना काबा का तवाफ कर रही हूँ, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हम लोग उम्रे पे गए थे, और अचानक से यूं मेरा काम हुआ था उम्रे का, कि मेरे दोस्त का मैसेज आया हम उम्रे पे जा रहे हैं तुमने जाना है, तो मैंने बोला हाँ मैंने जाना, तो ऐसे ऐसे मेरा काम हुआ था, और वो ख्वाब मैंने सबको बताया था, मैंने ख्वाब देखा मैंने उम्रे पे जा रही हूँ उम्रे पे जा रही हूँ, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं रमजान में उम्रे पे जाऊँ और मैं ना खाना काबा के आगे बैठ के इफ्तारी करूँ, और मेरा ख्वाब पूरा हुआ, और पता क्या होता था कि एक अफ्तारी वकास ने आई थी खाना काबा के सामने की है मेरे साथ, बाकी ना वकास ने एहराम जिस दिन जब उम्रे किए हैं ना वकास ने सिर्फ तब एहराम पहना है, बाकी वकास ने कमीज शलवार पहनी है, तो कमीज शलवार में ना वो अंदर आने नहीं देते, तो औरतें तो अबाया पहनती हैं तो औरतों को आने देते हैं जो औरतें फुल हिजाब में हो, तो फिर मैंने ना सारी इफ्तारी जितने भी दिन में मक्के में थी मेरी सारी इफ्तारी खाना काबा के आगे हुई, और मुझे बहुत पहली सफ में खाना काबा की मैंने इफ्तारी की है, और इतना अच्छा लगता था इतना अच्छा, और जब मैं मक्के से निकली थी तो मैं मुड़ मुड़ के जहाँ तक मुझे नजर आते थे मैं देखती रहती थी मस्जिद के, और जब मैं मदीने से निकली थी तब तो मदीने
पता नहीं, मदीने से मक्के से निकलो ना, सोचा दिल वहीं रह गया। मुझे इन सब चीज़ों से निकलने में पूरा महीना लगा था। मैं ऐसे उठती थी ना, नींद में चलता था, मैं होटल में हूँ, मैं यहाँ वहाँ देखती थी, जल्दी करो जल्दी करो, नमाज का टाइम हो रहा है, वो कहा जाता था तुम घर पर हो, तुम घर पर, तुम पागल होगी। मतलब मेरे दिमाग में वो चीज़ ऐसे फिक्स हो गई थी, बड़ी मुश्किलों से निकली थी मेरे दिमाग से वो चीज़। आप लोगों ने देखा होगा मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी, और अभी तक भी मैं टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं बना पा रही। उन सब चीज़ों से निकलने के बाद मुझे होता है कि यार रील्स नहीं बनानी, या म्यूज़िक के, म्यूज़िक के बगैर रील्स बनती नहीं, अब बहुत मसला हो रहा है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह वाला करम करेगा अपना बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह दोबारा जाऊंगी फुल फैमिली के साथ। मैं आपको बेकर से दिखाती हूँ कैसे लोग वॉक कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, फैमिलीज वॉक कर रही हैं। इंशाल्लाह फुल फैमिली के साथ भी जाऊंगी उम्रे पे, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के ऊपर, और मुझे पता है मेरा बुलावा आएगा दोबारा। मैंने अल्लाह से दुआ भी यही थी कि अल्लाह ताला मक्का मदीना ना मेरा दूसरा घर बना देगी, मैं बस जब मेरा दिल करे, जब मैं उदास हूँ, मैं आ जाऊँ उठ के यहाँ पे, मुझे इतना देना कि मुझे कभी सोचना ना पड़े उम्रे पे आने के लिए या हज पे आने के लिए। मुझे पता है वो पूरी हो जाएगी दुआ मेरी इंशाल्लाह। तो बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।